Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. ओंटेरियो हुकूमत सूबे में इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोशा, सूबाई असम्बली के आइंदा इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। हुकूमत ओंटेरियो हेरिटेज ट्रस्ट को 4.3 मिलियन डॉलर फराहम कर रही है। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में आतिशीन असलहे की खरीद और फरोख पर पाबंदी से मुतालिक प्रोग्राम का ऐलान। आतिशीन असलहे पर पाबंदी से मुतालिक कवानीन का निफाज जल्द होगा। ममनुआ बोर के 1500 से ज़ायद मॉडल्स आम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। मरीजों की मजमूई तादाद 8,31,577 तक जा पहुंची। हलाकतें 21,397 हो गई। ओंटेरियो के बेशतर इलाके सरमाई तूफान की जद में, मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। पियर्सन हवाई अड्डे पर कम से कम 15 परवाजें ताखिर का शिकार, 10 मनसूख हो गई। अमरीका ने सऊदी अरब से मुतालिक पॉलिसी में बड़ी तब्दीली कर दी। बाइडन आइंदा सिर्फ सऊदी शाह से राबता रखेंगे। व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया है कि हमने शुरू में ही सऊदी अरब के साथ रवाबित नए सिरे से तय करने का इंदिया दिया था। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फानी तूफान से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। 23 अफराद हलाक। तुर्की के शहर इस्तांबुल में शदीद बर्फबारी के बायस स्कूल बंद कर दिए गए। यूनान में भी सर्दी और बर्फबारी का 15 साल रिकॉर्ड टूट गया। पीटर मॉर्गन ने भी जमाइमा का दिल तोड़ दिया। जमाइमा गोल्ड स्मिथ का पीटर मॉर्गन से ताज़ा तरीन इश्क भी नाकामी से दो चार हो गया है। मॉर्गन ने सबका गर्लफ्रेंड से ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। कोरोना वायरस के दुनिया में मुतासर अफराद की तादाद 11 करोड़ से बढ़ गई। 24,29,707 अफराद जान की बाजी हार गए। अमेरिका में कोरोना वायरस की 7 नई अकसाम दरियाफ्त। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956। ओंटेरियो हुकूमत सूबे में इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोशा है। नए कानून साजी से ओंटेरियो के बाशिंदों को कानूनी मामलात को तेजी से हल करने में मदद मिलेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटेरियो हुकूमत सूबे में इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोशा है। नई कानून साजी से ओंटेरियो के बाशिंदों को कानूनी मामलात को तेजी से हल करने में मदद मिलेगी। ओंटेरियो की हुकूमत ने कानून साजी की है जिसके तहत निज़ाम को जदीद बनाने और सूबे की अदालतों, ट्रिब्यूनल्स, इस्टेट लॉ, खानदानी कानून और बच्चों के तहफ़ के शोबों में रुकावटों को कम करने के साथ साथ सिस्टम तक रसाई को बेहतर बनाया जाएगा। हुकाम के मुताबिक एक्सक्लेरेटिंग एक्स 2 जस्टिस एक्ट 2021 अगर मंजूर होता है तो अदालती खाली आसामियों को भी तेजी से पूर किया जाएगा। सूबाई असेंबली के अगले इजलास के दौरान ओंटेरियो हुकूमत कोविड-19 पर अपने गैर मामूली रद्द अमल को जारी रखने का इरादा रखती है, जबकि मजबूत मौशी बहाली की बुनियाद रखी जा रही है। हुकूमत ओंटेरियो हेरिटेज ट्रस्ट को 4.3 मिलियन डॉलर फराहम कर रही है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो कोरोना वायरस के दौरान अपने अहम काम अंजाम दे सकता है। ये यक तरफा सरमायाकारी मुलाजमतों का तहफ़ करेगी, जबकि सूबे की सकाफती और कुदरती विरसे की हिफाजत और उन जगहों को काबिल रसाई बनाए जाने को यकीनी बनाएगी। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में आतिशीन असलहे की खरीद और फरोख पर पाबंदी से मुतालिक प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में आतिशी असलहे की खरीदो फरोख पर पाबंदी से मुतालिक प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि आतिशी हथियारों के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए नए कानून का नफाज जल्द होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से हथियार हैं जो फौज के इस्तेमाल के लिए बनाए गए थे, लेकिन लोग इनको स्पोर्ट्स और शिकार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। तर्जमान के मुताबिक हथियारों के ऐसे 1500 से ज्यादा मॉडल मौजूद हैं जो ममनुआ बोर के हैं लेकिन आम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे हथियारों पर जल्द पाबंदी लगा दी जाएगी और सिर्फ सिविलियन इस्तेमाल के हथियार ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे। खुदकार आतिशी असलहे कैनेडा में पहले ही ममनू है। ट्रूडो ने गुज़िश्ता मई में कहा था कि जब तक कोरोना वायरस वबाई बीमारी के फौरी बहरान पर काबू नहीं पाया जाता, उस वक्त तक बाय बैक प्रोग्राम को नाफिज करने के लिए कानून साजी नहीं की जाएगी। इस कानून साजी के तहत म्यूनसिपलिटीज को स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगाने वाले ज़िमनी क़वानीन के जरिए हैंड गन्स पर पाबंदी आयद करने की भी इजाज़त होगी। ट्रूडो ने कहा कि इन ज़िमनी क़वानीन को नाफिज करने के लिए इन इकदाम की हिमायत की जाएगी, जिनमें बल्दियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को जेल भी भेजा जा सकता है। ओंटेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड को तकरीब में शिरकत के बाद अवामी हलकों की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 831,577 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 21,397 हो गईं, जबकि 774,511 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 278,187 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,246 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 287,736 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,719 है। प्रीमियर डग फोर्ड को इस वक्त सख्त खफ्त का सामना करना पड़ा जब उन्होंने मिसिसागा की साबिक मेयर हेजल मैकलैन की 100वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में शिरकत के बाद उन्हें अवामी हलकों की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया कि वो दूसरों को नसीहत करते फिरते हैं कि अवामी मुकामात से दूर रहें और अपनों के साथ घर पर वक्त गुजारें, जबकि वो खुद बैरून शहर जाकर अवामी गैदरिंग में शिरकत करते हैं। प्रीमियर ने इस बात का अब तक कोई जवाब नहीं दिया। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,29,338 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,791 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 74,283 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,314 है। महकमा मौसमियात कनाडा के मुताबिक GTA और ओंटेरियो के बेशतर इलाके सरमाई तूफान की जद में हैं और इन इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द मरतूब रहेगा, जबकि बेशतर मुकामात पर बर्फबारी का भी इम्कान है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात कनाडा के अलामिये के मुताबिक GTA और ओंटेरियो के बेशतर इलाके सरमाई तूफान की जद में हैं और इन इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द और मरतूब रहेगा, जबकि बेशतर मुकामात पर बर्फबारी का भी इम्कान है। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक मौसम की इस खराब सूरत हाल की वजह से शहरियों के मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर हुए हैं और स्कूलों और तजारती इदारों में छुट्टी करनी पड़ी है। टोरंटो में स्कूल बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। ऐलामिया के मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक मौसम की सूरत हाल में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है। ओंटेरियो की सूबाई पुलिस के मुताबिक GTA में रातों रात 20 से ज्यादा गाड़ियों के तसादुम हुए हैं और उन्होंने मुसाफरों को मशवरा दिया कि वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए इजाफी वक्त दें। पियर्सन हवाई अड्डे पर कम 15 परवाजें ताखीर का शिकार और 10 मनसूख हो गईं। दूसरी जानिब शहरी हुकूमत का अमला बर्फबारी रुकने के बाद शहर की सड़कों से बर्फ हटाने और नमक छिड़कने का काम कर रहा है। अमरीका ने सऊदी अरब से मुतालिक पॉलिसी में बड़ी तब्दीली की है। गुज़िश्ता 4 साल में सऊदी अरब के साथ किए जाने वाले मुआहिदों पर भी गौर होगा। मुआहिदों की शराइत का जायजा लिया जाए और फिर इसकी अप्रूवल दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर जो बाइडन आइंदा सऊदी वली अहद के बजाय सिर्फ शाह सलमान के साथ बातचीत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अहमियत न देने का फैसला कर लिया। तर्जमान व्हाइट हाउस ने रिपोर्टरों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने शुरू में ही सऊदी अरब के साथ रवाबित नए सिरे से तय करने का अंदिया दिया था, जिसके तहत आइंदा सदर जो बाइडन सिर्फ सऊदी हम रुतबे से रابطे में रहेंगे। सऊदी अरब में उनके हम रुतबे शाह सलमान हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया कि सदर बाइडन जल्द इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के साथ टेलीफोनिक राब्ता करेंगे।
कई ममालिक में भी सर्दी की लहर शिद्दत अख्तियार कर गई है। तुर्की के शहर इस्तंबुल में शदीद बर्फबारी के बाइस स्कूल बंद कर दिए गए। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फानी तूफान से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद हलाक हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फानी तूफान से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुए। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद हलाक हो गए। अमरीका की जनूबी रियासतों टेक्सास, टेनेसी, केंटिकी और लुइसियाना समेत 7 रियासतों में बर्फानी तूफान की वजह से इमरजेंसी लगा दी गई है। तूफान के 22 50 लाख से ज्यादा लोग बिजली से महरूम हो गए। रियासत टेक्सास के हुक्काम ने बिजली के ब्रेक डाउन की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। शदीद बर्फबारी से 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा अमरीकी मुतासर हुए हैं। हुक्काम ने मजीद बर्फबारी की पेशगोई की है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 15 करोड़ अमरीकी मौसम सरमा के तूफान या उसके मुमकिन खतरे की जद में हैं। दूसरी जानिब कई ममालिक में भी सर्दी की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। तुर्की के शहर इस्तंबुल में शदीद बर्फबारी के बाइस स्कूल बंद कर दिए गए। तुर्की के शहर इस्तंबुल में शदीद बर्फबारी से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। यूनान में भी सर्दी और बर्फबारी का 15 साल रिकॉर्ड टूट गया। यूनानी हुकूमत ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। बरतानवी फिल्म प्रोड्यूसर और इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ का पीटर मॉर्गन से ताज़ा तरीन इश्क भी नाकामी से दोचार हो गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी फिल्म प्रोड्यूसर और इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ का पीटर मॉर्गन से ताज़ा तरीन इश्क भी नाकामी से दोचार हो गया है। गुज़िश्ता माह अमरीकी अदाकारा जेलियान एंडरसन और उनके 57 साल बॉयफ्रेंड पीटर मॉर्गन में अलहदगी के चंद हफ्तों बाद ही पीटर मॉर्गन की जमाइमा से कुर्बतें बढ़ने की खबरें गर्दिश कर रही थी। जमाइमा और पीटर की ये कुर्बतें महज एक माह भी ना चल सकी क्योंकि पीटर मॉर्गन ने साबका गर्लफ्रेंड से ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है पीटर मॉर्गन जमाइमा को छोड़कर अपनी साबका गर्लफ्रेंड जेलियान के पास जमहूरिया चेक चले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जेलियान इन दिनों जमहूरिया चेक के दारुल हुकूमत प्राग में मौजूद हैं, जहां वो अपनी आइंदा फिल्म व्हाइट बर्ड ए वंडर स्टोरी पर काम कर रही हैं और 2 माह तक वहीं क्याम करेंगी। जमाइमा के एक दोस्त का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि पीटर मॉर्गन ने ही जमाइमा से मोहब्बत का इजहार किया था और उन्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया था। जमाइमा के दोस्त के मुताबिक पीटर ने जमाइमा से कहा था कि उनकी खूब निभेगी, लेकिन अब खुद पीटर ही जमाइमा को छोड़कर वापस जेलियान के पास चले गए हैं। ख्याल रहे कि इमरान खान के बाद जमाइमा गोल्ड स्मिथ का रोमानवी ताल्लुक मशहूर अदाकार होग्रांड और कॉमेडियन रिसल ब्रांड से भी रहा। ये दोनों इश्क भी नाकाम हुए, जिसके बाद उनकी जिंदगी में पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले मशहूर शख्स मैथ्यू फ्राइड आए, लेकिन ये मामला भी जल्द अपने अंजाम को पहुंच गया था। दुनिया भर में बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील में दरियाफ्त होने वाली कोरोना वायरस की नई अकसाम तशवीश का बाइस बनी हुई हैं। मगर अमेरिका में ही अब दरियाफ्त होने वाली 7 नई अकसाम ने साइंसदानों को फिक्रमंद कर दिया है, क्योंकि इनमें से बेशतर ज़्यादा मुतादी हो सकती हैं। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 11 करोड़ 32 हजार से तजावुज कर गई, जबकि 24,29,707 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। दुनिया में कोरोना के 8 करोड़ 48 लाख 48 हजार से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके और 2 करोड़ 27 लाख 55 हजार से जायद जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा खौफनाक है, जहां 4,99,991 अमवात हो चुकी हैं और 2,83,81,000 से जायद अफराद मुतासर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,55,949 और 1,09,37,000 से जायद अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राज़ील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमू तादाद 2,40,983 और 99,21,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। रूस में 40,99,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं और अमवात की मजमू तादाद 80,979 है। बरतानिया में 40,58,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं और 1,18,198 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में 34,89,000 से ज्यादा अफराद मुतासर और 82,812 जान की बाजी हार चुके हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 27,652 तक जा पहुंची हैं, जबकि कोरोना वायरस के केसेस 26,02,034 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 39वें नंबर पर आ गया, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,441 रिपोर्ट हुई है, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,73,368 तक जा पहुँची है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैग टीवी।
Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe.